बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2017 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। अगर आपका अच्छे से अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा अक्टूबर नवंबर 2017 का, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 आपको मिलेंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के अंदर हम देखते हैं क्या पूछता है ये हमसे। जियान एंड शैन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, के ये दो पार्टनर हैं जियान एंड शैन, और इनकी रेशो जो है वो 3:1 है। 3:1 का मकसद क्या हुआ? 3:1 का मकसद है 3 and 1 इज इक्वल टू 4, के जो जियान है उसका शेयर 3/4 है और जो शैन है उसका जो शेयर है वो 1/4 है। यानी टोटल फोर पार्ट्स हैं इसके, और जिसमें से जियान जो है वो 3 पार्ट्स वो ले लेता है और जो शैन है उसके पास 1 पार्ट है। इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कि जो भी कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उसमें 5% पर एनम उनको इंटरेस्ट मिलता है। एंड इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स एक्सक्लूसिव सैलरीज, सैलरीज को हटा के जो ड्राइंग्स ये पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं एट द रेट ऑफ 10%, वो फिर 10% इनको देना पड़ता है बिजनेस को। अ सैलरी इज पेड टू शैन और 5,000 पर एनम। शेन जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है ऑपरेशनल पार्ट ज़्यादा है, तो इसलिए उसको सैलरी मिल रही है $5,000 पर एनम के हिसाब से। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 30 जून 2017, के 2017 को ये बैलेंसेज उन्होंने आपको दिए हैं। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कुछ एडजस्टमेंट से रिलेटेड, और उसके बाद कहते हैं कि प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मकसद है, क्योंकि ये पार्टनरशिप की इनकम स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं, तो जो भी इनकम स्टेटमेंट से जो भी प्रॉफिट आएगा वो फिर पार्टनर्स के दरमियान जो है वो बटेगा। जैसे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है तो जो भी इनकम स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम ऑनर के कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो फिर रिटेंड अर्निंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है। पार्टनरशिप अगर है तो उस डेफिनेटली उनकी जो शेयरिंग रेशो, जैसे अभी हम पढ़कर आ रहे हैं सवाल में उसने दिया कि जियान जो है उसका 3/4 शेयर है और जो शैन है उसका शेयर 1/4 है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा इनकम आएगी उसमें एडजस्टमेंट हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरीज भी हैं, और उसके बाद जो रेजिडुअल प्रॉफिट होगा वो इनकी शेयरिंग रेशो के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो सवाल में इनकम स्टेटमेंट मांगी है, तो उसके बाद इनकम स्टेटमेंट के बाद भी देखें वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन भी फिर मांगेगा। ये तो ए पार्ट है इसका। अगर हम आगे आते हैं ए पार्ट के बाद, तो बी पार्ट में कहता है प्रिपेयर द करेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017, बैलेंस द अकाउंट्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2017। कि जो भी करंट अकाउंट का मकसद ये है कि जो भी रेवेन्यू नेचर की जो चीज़ें होती हैं हर साल, वो फिर करंट अकाउंट के अंदर पार्टनर मेंटेन कर रहे होते हैं, और जो कैपिटल होते हैं उनके वो फिक्स नेचर के होते हैं। अगर कैपिटल नेचर की कुछ चेंजेस हैं तो फिर कैपिटल अकाउंट्स में जाती है, अदरवाइज जो रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक करंट ईयर से है वो सारी की सारी करंट अकाउंट में मेंटेन्ड होती हैं। तो ये फिर आपसे करंट अकाउंट पार्टनर्स की जो करंट अकाउंट हैं उन्हीं की बात कर रहा है कि वो करंट अकाउंट बनाएं जियान एंड शैन का, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। और उसके बाद फिर कुछ और भी मांगता है, कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशंस एट 30 जून 2017, के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का मकसद है कि बैलेंस शीट जियान एंड शैन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेसिकली जो आपको बनाना है। और ये सवाल भी बड़ा पैटर्न है कि हर साल जो है वो हर अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें एडजस्टमेंट होती है, सवाल को हल करने से पहले जब भी हम इसको आप हल करने जाएँ तो 2-3 स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो आपको ये सवाल कभी ट्रॉबल नहीं करेगा। पहली स्किल तो ये है कि जब आप इस सवाल को पढ़ना शुरू करें तो फिर आपका जो भी आपको अकाउंट्स दे रहा है वो
उसको डिस्टिंग्विश करना कि इसमें से कौन सा रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है, कौन सा कैपिटल नेचर का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और कौन सा अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाएगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीज़ें जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे अभी हम सवाल पढ़ के आ रहे थे तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसके अलावा सैलरीज हैं, ये जो ऊपर सवाल के अंदर दे रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेट करती हैं। तो ये आपने देखा। उसके बाद अब आते हैं इसके अंदर, हम देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग दे रहा है आपको। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखते के साथ ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि नॉन करंट एसेट है और जितनी भी एसेट्स और इक्विटीज़ होती हैं सारी की सारी, इक्विटीज़ का मकसद है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये सारी की सारी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में जाती हैं। तो कीप इट इन योर माइंड कि नॉन करंट एसेट्स से ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। मोटर व्हीकल जो है ये भी नॉन करंट एसेट्स से आपका, नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो जिनका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है, ये सारे नॉन करंट एसेट्स हैं। ऑफिस फिक्स्चर ये भी आपका नॉन करंट एसेट्स है और ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाएगी। इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तीनों का उसको आपको दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मकसद है कि लैंड, अगर लैंड एंड बिल्डिंग लीज होल्ड बिल्डिंग जो है आपकी अगर 120,000 की है तो 30,000 जो है वो अभी तक डेप्रिशिएट हो गई है, अब इसकी जो बुक वैल्यू है वो फिर 90,000 बनती है। अगर मोटर व्हीकल की बात करें तो अभी तक जो आपने रिडक्शन इन कॉस्ट उसकी हुई है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो यूज़ जब आप करते हैं नॉन करंट एसेट्स को तो इनकी लाइफ कम होती है, लाइफ कम होती है तो डेफिनेटली इनका फिर इनकी वैल्यू भी कम होती है, जो इनकी वैल्यू में रिडक्शन आता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जब एक्यूमुलेट होता है ये डेप्रिसिएशन तो फिर उसे हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 का है तो 40,000 की है, 10,000 ये, इसी तरीके से ऑफिस फिक्सचर जो है उसका भी आपने उसको जो उसका जो है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 4,000 बनता है। तो ये सारे आइटम जो हैं ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम हैं सारे के सारे, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू को कम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चले जाएंगे। और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो फिर हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट्स आपको दिए हुए हैं ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाएंगे, और ये करंट अकाउंट दिए हुए हैं ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चले जाएंगे। उसके बाद ड्राइंग भी है आपको, ड्राइंग भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चली जाएगी। इक्विटी नेचर है, ओनर्स इक्विटी से इनका ताल्लुक है, जो पार्टनर्स हैं उनसे 8% बैंक लोन की बात करता है। रीपेबल 2025 के अंदर ये रीपेबल होगा, तो डेफिनेटली ये क्या है ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। बैंक लोन इंटरेस्ट पेड कि जो बैंक लोन लिया हुआ है उसका इतना इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है, ये 2,500 जो है इंटरेस्ट पेड हो चुका है, इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है। तो जब इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो कहाँ चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। जितने भी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं। ट्रेवल ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स से आपको कस्टमर से पैसा लेना है, अगेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन वहाँ चला जाएगा। ट्रेड पेएबल आपकी करंट लाइबिलिटी है, अगेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के जो आपका एस्टिमेटेड अमाउंट है, यू एक्सपेक्ट कि ये जो है करंट आपके जो ट्रेड रिसीवेबल है वहाँ से ये पैसा नहीं मिलेगा, तो ये भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चला जाएगा। रेवेन्यू आपका दे रहा है, रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। आपको पता है इन्वेंट्री दे रहा है, इन्वेंट्री जो है अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री है, इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी। परचेजेस जो है इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये सेल्स रिटर्न्ड है और ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। रिटर्न टू सप्लायर, परचेजेस रिटर्न्ड, ये भी इनकम स्टेटमेंट में चली गई। और कैरेज जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी एक्सपेंस नेचर है इसकी, ये भी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। वेजेस एंड सैलरीज आपकी एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इनकम स्टेटमेंट, जनरल एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट। तो आपने देखा कि जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो थे वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और जो एसेट्स एंड इक्विटीज़ हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में। जब यह आपकी समझ में आ गया
अब आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर. नंबर फर्स्ट कहता है इन्वेंट्री एट 30 जून 2017 वॉज वैल्यूड एट 42,900 की जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है आपकी 42,900 दी हुई है. ये जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वहाँ भी जाएगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेगी और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी जाएगी क्योंकि ये आपकी आपका करंट एसेट्स है और जब ये आपका करंट एसेट्स है तो वहाँ भी जाएगा. 30 जून 2017 की बात करता है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 1,150 अवर एक रूट. एक रूट का मकसद है कि ये एक रूट तो हो गए आपके, यानी एक्चुअली ये हो तो गए हैं, इनके बिल भी आ गए हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करा तो ये एक्सपेंसेस भी हैं और करंट लाइबिलिटी भी है. अगर मैं जाके ऊपर देखता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कितना है, तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ये देख रहे हैं आप 8,450, ये 8,450 ये है, इसमें 1,150 आप प्लस कर लें. तो 8,450 प्लस 1,150 ये 9,600 बनता है. तो ये 9,600 जो है एक्चुअली आपका एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ये एडजस्ट होने के बाद में, क्योंकि 8,450 की ऑलरेडी आप पेमेंट कर चुके हैं लेकिन 1,150 एक रूड है और इनकी पेमेंट आपको करनी है, ये एक्सपेंसेस हो गए हैं. तो टोटल एक्सपेंस आपके 9,600 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बनते हैं. मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस $200 वर प्रीपेड, के मोटर व्हीकल एक्सपेंस जो आपको है उसमें से $200 जो है वो प्रीपेड है. प्रीपेड का मकसद है कि इनका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, ये आपका एसेट है. तो मोटर व्हीकल एक्सपेंस अगर हम देखें तो 19,100 बनते हैं, इसमें से $200 माइनस कर दें तो ये $200 माइनस करने के बाद 18,900 मोटर व्हीकल एक्सपेंस. और ये जो 200 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये एज एन एसेट बन के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चला जाएगा. तो ये दो एक्सपेंस आपने एडजस्ट करे. इसके बाद आगे आते हैं द पार्टनर सैलरी हैड बीन पेड टू शैन, के पार्टनर सैलरी जो है वो शैन को पे कर दी. इट इज़ हेड बीन पोस्टेड टू द वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, ये वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट के अंदर पोस्ट हो गई. एक्चुअली इसको ड्राइंग के अंदर पोस्ट होना था, आपने इसको पोस्ट कर दिया कहाँ पे, वेजेस एंड सैलरीज में. और एनुअल सैलरी जो है इसकी $5,000 है, ये आप देख रहे हैं. तो वेजेस एंड सैलरीज कहाँ हैं आपकी, ये वेजेस एंड सैलरीज आप देख रहे होंगे 87,500, ये 87,500 में से माइनस कर दें 5,000. माइनस इसलिए करें कि ये वेजेस एंड सैलरीज में गलती से डेबिट हो गई है. 87,500 माइनस 5,000 ये बनता है 82,500. ये एक्चुअली वेजेस एंड सैलरीज का अमाउंट है. और अगर आप ड्राइंग देखें शैन की जो ड्राइंग है, क्योंकि किसने निकाली है ये, बल्कि ये सैलरीज हैं आपकी, तो सैलरीज जो हैं वो फिर शैन के अकाउंट के अंदर हम प्लस कर देंगे. करंट अकाउंट जब बनाएंगे इसके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. ये देखें शैन का जो करंट अकाउंट है ये एक्चुअली 5,000 यहाँ आ जाएंगे. वो हम देखते हैं जाके कि जब अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसमें 5,000 हमें वैसे भी लिखना है. पोस्टिंग का मसला था तो वेजेस एंड सैलरीज को हमने सही कर लिया. करंट अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ एडजस्ट कर लेंगे इसको 5,000. तो द कैरिज इंक्लूडेड $3,000 फॉर द कलेक्शन ऑफ परचेजेस, की जो कैरिज आपको ऊपर दिया हुआ है इसमें 3,000 जो है वो तो कलेक्शन ऑफ परचेजेस के हैं, कि परचेजेस जो आपने करी उसको लाने में जो किराया लगा वो 3,000 है और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनेगा. द रिमाइंडर वाज डिलीवरी टू कस्टमर, बाकी कुछ कस्टमर्स को आपने जो ट्रांसपोर्टेशन करके माल पहुंचाया उसका किराया लगाया, तो वो फिर जनरल एक्सपेंस में चला जाएगा कैरिज के अंदर. लेकिन 3,000 आप कैरिज में से, ये कैरिज जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 12,500, इसमें से 3,000 आप माइनस कर दें तो 12,550 माइनस 3,000 ये बनता है 9,550.
9550 जो है वो कैरिज एज ए जर्नल एक्सपेंस बनेगा, और ये 3000 जो आप देख रहे हैं ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जब हम परचेजेस लिखेंगे तो वहाँ प्लस कर देंगे ले जाके। आपको पता है कि कैरिज इनवर्ड जो है वो परचेजेस में प्लस हो जाता है, उसने बताया अभी आपको। ऑफिस फिक्स्चर कॉस्टिंग $2000 एंड विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ $1500 हैड बीन सोल्ड फॉर $500 के एक ऑफिस फिक्स्चर थी, 2000 उसकी कॉस्ट थी और 1500 जो है वो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। तो एक्चुअली बुक वैल्यू जो थी वो कितनी आ गई, 500। और ये 500 जो बुक वैल्यू है इसको बेचा कितने में, 500 में बेचा। इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, कि कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ आपको और कोई लॉस भी नहीं हुआ। अ चेक वॉज रिसीव्ड ऑन 20 जून 2017, एक चेक रिसीव किया आपने 20 जून 2017 को, यानी ईयर एंड पे आपने इसको बेचा है। नो एंट्रीज हैड बिन रिकॉर्डेड इन द बुक, इसकी कोई एंट्री जो है बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अगर रिकॉर्ड नहीं हुई तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे $500 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे 1500 से, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में पड़ा हुआ था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये क्रेडिट में था, इसको डेबिट करके कैंसिल कर दें और ऑफिस फिक्स्चर को क्रेडिट कर दें 2000 से। तो ये एंट्री एक्चुअली आपकी पास होनी है। तो बैंक जो है उसके अंदर $500 आपके पास आया, ऑफिस फिक्स्चर क्रेडिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड क्रेडिट होगा। तो अगर मैं यहाँ आता हूँ तो देखें, ये ऑफिस फिक्स्चर थी कितनी, 18000 की नज़र आ रही है आपको, 18000 की। इसमें से 2000 जो है आप माइनस कर दें, तो ऑफिस फिक्स्चर कितना बचा, 16000। और ये जो इसका ऑफिस फिक्स्चर का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था इसमें से कितना माइनस कर दें, 1500। 1500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। ये 2500, ये एडजस्टमेंट आपने कर ली प्लस माइनस करके, क्योंकि ऑफिस फिक्स्चर बिक गई थी। और बैंक बैंक ओवर इसमें देखें लिखा गया है, इसने बैंक कहाँ दे रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देख रहे हैं 10600 बैंक ओवरड्राफ्ट, और इसमें से माइनस करें आप 500, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट ये पैसा आपके पास आया है तो ये ओवरड्राफ्ट को कम करेगा। ओवरड्राफ्ट का मकसद है कि बैंक के पैसे आप पर निकलते हैं और जब ये $500 आप जमा कराएंगे बैंक में तो ये आपके हैं, तो ये ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी को कम करेंगे और ये 10100 का अमाउंट आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट का। ये आपने रिकॉर्डिंग कर ली। अगला कहता है कि अगला आपसे कहता है कि लीज होल्ड बिल्डिंग बिल्डिंग्स आर हेल्ड ऑन ए 20 ईयर लीज, कि लीज होल्ड बिल्डिंग का मकसद असल में ये है कि बिल्डिंग जो है ये लीज पर आपने ली हुई है, रेंटल आप पे करते हैं इसको यूज करने का, और ये 20 ईयर की ये लीज है। और कहता है एन अप्रोप्रिएट अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ एज लीज, रिटर्न ऑफ द लीज, के लीज का एक अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है वो रिटर्न ऑफ होगा। तो देखिए इसका बड़ा आसान होता है, लीज होल्ड डेप्रिसिएशन ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग जो है वो आप निकाल रहे हैं, लीज होल्ड बिल्डिंग है कितनी देखते हैं ऊपर। तो देखिए लीज होल्ड बिल्डिंग आपके पास है 120,000 की, देख रहे हैं आप 120,000 ये है, तो 120,000 का, और ये 20 ईयर की है, तो 120,000 डिवाइडेड बाय जो भी इसकी लाइफ दी हुई है उससे डिवाइड कर दें, और हमेशा इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कीजिएगा, जो वो लाइफ दे रहा है बस स्प्रेड उससे डिवाइड करते हैं। तो 120,000 को अगर आप डिवाइड करें 20 से, यू गेट 6000। तो ये $6000 जो है ये एक्चुअली डेप्रिसिएशन आ गया और ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा, जबकि बैलेंस शीट स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लेके जाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले कितना था, 30,000 पहले था, देखें आप
देख रहे हैं 30,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था, 30,000 पहले था आपके पास। तो इस 30,000 के अंदर आप क्या करें, ये जो 6,000 निकाला है आपने इसको प्लस कर दें तो ये 36,000 आ जाएगा और ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। ये जो एडजस्टमेंट है इसको याद रखिएगा कि जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और जो एक्यूमुलेट होके आएगा, जैसे प्रीवियस 30,000 पड़ा हुआ था, 6,000 हमने प्लस कर दिया तो ये 36,000 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। अगला आते हैं, अगला कहता है मोटर व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, के मोटर व्हीकल जो है वो 25% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ये मेथड ये बताता है कि जो बुक वैल्यू के ऊपर आपको रेट लगाना है। बुक वैल्यू का मकसद क्या होता है कि किसी भी एसेट की कॉस्ट में से उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को जब माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आती है, उस वे की बुक वैल्यू के ऊपर ये डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करते हैं तो हर साल इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हर साल बढ़ेगा तो बुक वैल्यू हर साल कम होगी। इसका मकसद है डिक्लाइनिंग जो बैलेंसेज हैं उसके ऊपर हम ये रेट लगा रहे हैं। तो बिल्कुल, अब आके हम चेक करते हैं ऊपर क्या पोजिशन है, और ऊपर हम देखें तो मोटर व्हीकल हमारी 40,000 की है, ये आप देख रहे हैं 40,000, और इसका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो 10,000 है। तो मोटर व्हीकल 40 और 10 आप याद रखिएगा। तो मोटर व्हीकल इसका डेप्रिसिएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 40,000 इसकी कॉस्ट है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 है, इसको माइनस कर दें और इसका 25% निकाल लें। 40 माइनस 10, 30, 30 का 25% निकाला तो ये आपके पास आता है 25%, ये 7,500 आपके पास आ गया। तो ये चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये कैसे निकालेंगे, प्रीवियस हमारा 10,000 था, इस साल हमने कितना निकाला 7,500, तो कितना आता है 17,500। ये जो 17,500 है ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। तो ये मोटर व्हीकल आपकी हो गई। मोटर व्हीकल के बाद आते हैं ऑफिस फिक्सचर के अंदर, ऑफिस फिक्सचर का क्या बताता है ये वो देखते हैं। कहता है ऑफिस फिक्सचर्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड याद रखिएगा हमेशा कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं परसेंटेज को। कॉस्ट हमारी कितनी है, कॉस्ट हमारी थी एक्चुअली 18,000 थी, जिसमें से 2,000 हमने भेज दिया तो 16,000 हमारे पास आया, और 16,000 ये है और इसका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है आपने देखा था कि वो 1,500 हमने माइनस करके 2,500, तो 16,000 और 2,500 याद रखें। ऑफिस फिक्सचर तो डेप्रिसिएशन निकाल लें 16,000, इसका 10% निकाल लें क्योंकि बाकी तो बिक गई थी, तो 16,000 का 10% निकालेंगे तो 1,600 बनता है। देख रहे हैं आप, ये 1,600 इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,500 थे पड़े हुए, एक्चुअली 4,000 थे लेकिन हमने जो ऑफिस फिक्सचर भेजा तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने डेबिट कर दिया 1,500 से, तो ये 2,500 बचे और इसमें ये इस साल का जो निकला है 1,600 वो प्लस कर लें तो ये 4,100 होते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चले जाएंगे। तो ये आपने डेप्रिसिएशन कर लिया। डेप्रिसिएशन के बाद अगला आ जाए, कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड एंड ए डेट ऑफ 3,500 विच इज़ कंसिडर्ड इररिकवरेबल, कि ये इररिकवरेबल है, मतलब ये पैसा अब आपको मिलेगा ही नहीं, जब भी पैसा नहीं मिलेगा तो इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, इसको याद रखिएगा इररिकवरेबल डेट्स या बैड डेट्स एक्ट को डेबिट करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। तो 3,000
ये हमें बताता है कि 3500 तो ये इरिकवरेबल डेट्स जो है ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल तो आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस ऊपर दिया हुआ है उसमें से 3500 माइनस कर दें, क्योंकि इरिकवरेबल है ये 3500, ये ट्रेड रिसीवेबल ये दिया हुआ है 63,500, तो इसमें से माइनस करें 3500, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 63,500 माइनस 3,500, तो 50,000 बचाए, ये आपके पास याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम आते हैं आगे, कहता है कि द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाउट इज टू बी इंक्रीज टू 5,000 डॉलर। के प्रोविजन जो है 3,000 ऊपर कितना पड़ा हुआ है देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 था, कहता है ये 3,000 5,000 हो जाएगा, तो इसका मकसद है कितना इंक्रीज हुआ इस साल 3,000, 3,000 क्योंकि 5,000 है, 2,000 था और 3,000 आप अगर इजाफा करेंगे तो ये 5,000 बनेगा, और ये 3,000 इंक्रीज का मकसद आप समझ रहे हैं, 3,000 इंक्रीज जब करेंगे तो इसकी एंट्री पास करते हैं इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट 3,000। यानी एक्चुअली जो इस साल का एस्टीमेट है आपका वो 3,000 है, 2,000 लिखा हुआ था, ये कहता है 5,000 हो जाएगा, तो इंक्रीज 3,000 का, ये भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और जो 5,000 की अमाउंट है वो फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, जब आप ये एडजस्टमेंट कर लें, तो एडजस्टमेंट करने के बाद में फिर आपकी ज़िंदगी आसान है थोड़ी सी, क्योंकि आप क्या करेंगे कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाना आप शुरू कर दें, आपको सिर्फ फिगर्स डालनी है वहाँ पे, और फिगर्स कैसे डालेंगे आप वो हम शुरू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना आता है, इसमें सारी एडजस्टमेंट आपने कर ली, एक एडजस्टमेंट उसने नीचे नहीं दी, वो एडजस्टमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। ये देख रहे हैं 50,000 जो 8% बैंक लोन है, रीपेबल 2025 में पे करेंगे, तो ये 50,000 जो है इसका अगर आप 8% निकालें जो इंटरेस्ट बनता है, तो ये बनेगा 4,000। ये इंटरेस्ट है एक साल का, पेमेंट कितनी हुई है 2,500 की पेमेंट हुई है, तो इसका मकसद है 1,500 जो है वो एक्रूड है, एक्रूड समझ रहे हैं आप, एक्रूड मकसद ये ड्यू तो हो गया आपने पेमेंट नहीं करी, तो ये 1,500 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लाइबिलिटी में भी जाएगा, और टोटल जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा वो 2,500 नहीं बल्कि 4,000 आएगा। ये एडजस्टमेंट नीचे नहीं दी हुई थी, ये हमने कर ली। अब आप सिंपल, आपका काम रह गया है फिगर्स को पुट करना, अगर सवाल आपकी समझ में आ गया है। अब देखें रेवेन्यू की फिगर उसने आपको दी हुई है 525, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो रेवेन्यू देखें ऐसे ही उठा लिया, रेवेन्यू कहाँ दिया हुआ है देख लेते हैं। रेवेन्यू आप देखें ये दिया हुआ है आपको 520,000, ये आपके पास आ गया। इसमें से रिटर्न्स, जो रिटर्न्स आपको दी हुई थी, रिटर्न्स 10,300 वो देखें कहाँ दी हुई है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये 10,300 की ऐसे ही आ गई, ये माइनस करके आपने नेट सेल्स निकाल ली 509,700। उसके बाद इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स जब बनाते हैं तो आपको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐसे की ऐसी दी हुई है आपको, आप उसको ऐसे ही उठा लें। ये देखें ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी दी हुई है 37,800, ये 37,800 आपको नज़र आ रहा होगा। परचेजेज में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, परचेजेज 314,000 है, आप देखें कहाँ लिखी हुई है, ये परचेजेज है 314,000, ये सिंपल आपने ऐसे ही लिख ली। उसके बाद इसमें से परचेजेज में से अलबत्ता रिटर्न आपको माइनस करना है, तो रिटर्न आपको दी हुई है, रिटर्न टू सप्लायर
देख रहे हैं रिटर्न टू सप्लायर 8,200, इसके में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ऐसे ही माइनस कर दें। या आ गया कैरिज इनवर्ट्स, कैरिज इनवर्ट के अंदर एडजस्टमेंट थी, उसने आपको बताया था कि $3,000 जो है कैरिज वो रिलेट करता है परचेजेस से, इसीलिए आप देखें मैंने आपको वहाँ बताया था ये 3,000 नज़र आ रहा होगा आपको, ये प्लस कर दें 346,600 आ गया। इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री नीचे दी हुई थी, जब मैं बता रहा था मैंने कहा था ये इनकम स्टेटमेंट में भी जाएगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाती है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी 42,900 ये दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 42,900 दी हुई है, तो ये माइनस कर दें इसमें से, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दिया आपने, ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो देखें सारा ये फॉर्मेट आप याद रखें, बार बार इसकी रिपीट इसको इसकी प्रैक्टिस करें, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि मोर और लेस ये फॉर्मेट सेम रहता है, देयर इज़ नो चेंज, सिंपल चीज़ें होती हैं, आपने सिर्फ एक दफ़ा फिगर्स आइडेंटिफाई करके यहाँ भरनी है। उसके बाद आ जाएँ अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस क्या है, तो कैरिज और आउटवर्ड्स, कैरिज आउटवर्ड्स कितना हो गया, कैरिज आउटवर्ड्स का मकसद है कस्टमर को जो किराया लगा आपका, जो आपका लगा वो टोटल देखें कैरिज कितना था, 12,550 था आई थिंक, हमने इसको दो हिस्सों में बांट लिया था, कैरिज देख रहे हैं 12,550 में से 3,000 माइनस करके मैंने कहा था बाकी कस्टमर को जो माल पहुँचाया, तो कैरिज आउटवर्ड 9,550 एज एन एक्सपेंस बना दिया हमने, ये एक्सपेंस बन गया यहाँ पे। वेजेस एंड सैलरीज मैंने आपको बताया था कि 87,500 रीवी थी, 5,000 माइनस की थी तो 82,500 सैलरीज थी, वेजेस एंड सैलरीज मैंने आपको बताया था, देखें 82,500 या 82,500 आ गई। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने 1,150 को प्लस किया था, 9,600 आई थी, देखें 9,600 मैंने आपको करवाया था, ये ऐसे ही आ गई आपके पास। उसके बाद आगे आ जाएं जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी क्योंकि जनरल एक्सपेंस देखें ये दिए हुए थे, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो 28,850 ऐसे के ऐसे ही आ गए। मोटर व्हीकल एक्सपेंस मैंने 200 जो प्रीपेड था वो माइनस किया था, 18,900 आ गया। बैंक लोन मैं भी समझा के आ रहा हूँ, 4,000 आएगा, 50,000 का 8% 4,000 वो पूरे का पूरा देखें यहाँ आ गया, 2,500 दिया हुआ था, 1,500 एक्रूड है। बैड डेट्स मैंने आपको 3,500 अभी समझा के आ रहा हूँ, जो इररिकवरेबल डेट्स है मैंने कहा था इनकम स्टेटमेंट में आएगा, देखें ये आ गया। इंक्रीज़ इन प्रोविज़न मैंने आपको बताया था कि जो 3,000 की इंक्रीज़ हुई है, जिसकी मैंने एंट्री भी बताई थी आपको करके, इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविज़न फॉर, क्योंकि 2,000 तो पड़ा हुआ था और वो कहता है टोटल 5 हो गया, तो इंक्रीज़ जो 3,000 था मैंने आपको बताया था कि वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये आ गया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, अभी हम निकाल कर आ रहे हैं। लीज होल्ड बिल्डिंग का हमने 6,000 निकाला था, मोटर व्हीकल का 7,500 निकाला था, और ऑफिस फिक्स्चर का 1,600 देख लें। लीज होल्ड हमने 6,000 निकाला, ये देखें ये 6,000 आ गया इनकम स्टेटमेंट। मोटर व्हीकल आपके सामने निकाला था 7,500 और ये 1,600 निकाला था, तो ये तीनों देखें यहाँ आ गए, एक्सपेंस बन गए तीनों, ये टोटल आपके एक्सपेंसेस थे, आपने इन सबको जमा किया 175,000 ये बनता है, 206,000 में से माइनस किया तो यू गेट 31,000 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। तो ये बड़ा आसान था सवाल, आपने देखा कि बाकी सिर्फ फिगर्स आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, फिगर्स इसमें भरनी है आपको, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद उसने आपसे पूछा था कि पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, तो इसकी हेडिंग ये लगती है इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप एक दफ़ा इनकम स्टेटमेंट निकाल लें तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आसान होता है। इसके अंदर मैंने आपको तीन चीज़ें सवाल के शुरू में थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इस प्रॉफिट के अंदर प्लस होंगी। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये बिज़नेस का प्रॉफिट है ना एक तरीके से, कि वो पार्टनर्स जो हैं इन्होंने जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लिया उसके ऊपर ड्राइंग दे रहे हैं, तो ये पैसा आपको मिल रहा है, तो एज एन बिजनेस इनकम बन गई आपकी आगे। तो वो कैसे बनेगी, इन्होंने सवाल के अंदर दिया था, हम पढ़ते हैं दोबारा। सवाल में कहता है कि इंटरेस्ट इज अलाउड, इंटरेस्ट 5% पर है ना मैं डिस्चार्ज ऑन ड्राइंग, 5% जो है वो ड्राइंग होगी, तो ड्राइंग है कितनी, देखें ड्राइंग ये 8,000 का 5% निकाल लें,
और 6,000 का 5% निकला, ये 400 बना और 6,000 का 5% ये 300 बना। तो 400 और 300 बना, जियान का जो है 400 है, जो जियान पे करेगा बिजनेस को, और शैन 300। तो देखें यहाँ कुछ ज्यादा आ रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या मसला है, 5% है या 10% है। अच्छा ये देखें, ये 5% पर है ना, एक्चुअली इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%, ड्राइंग के ऊपर 10% है, तो इसको आप 10% कर दें तो फिर सही हो जाएगा। ये 10% कर दें आप, अगर 10% करेंगे तो ये 800 बन जाएगा, और ये 600 का 10% 600 बन जाएगा। तो 800 और 600 आपके पास आ गया, क्योंकि 10% था ड्राइंग पे, तो देख रहे होंगे आप कि ये 800 600 यहाँ आ गए, और उसके बाद कैपिटल के ऊपर जो है 5% होगा, तो कैपिटल पे इनको मिलेगा प्रॉफिट, इनको मिलेगा। तो ये जो कैपिटल है वो है कितना, 70,000 का 5% निकाल लें और 50,000 का 5% निकाल लें, तो 70,000 का 5% कितना हुआ, 3,500, और 50,000 जो है इसका 5% बनता है 2,500। तो 3,500 और 2,500, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जियान जो है उसका 3,500 है, और शैन जो है 2,500 आपने कैलकुलेट किया। ड्राइंग के ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइंग के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज होता है वो बिजनेस का प्रॉफिट है, इसीलिए देखें जो 31,000 था इसके अंदर आपने इसको प्लस किया तो 32,400 हो गए, लेकिन कैपिटल जो पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया उस पर आपको देना पड़ेगा, तो ये देखें माइनस होगा, प्रॉफिट जो भी हुआ है उसमें से ये आप इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को, तो इसलिए माइनस हो के 26,400 आ गया। फिर जियान की जो, सॉरी शेन जो है उसकी सैलरी थी 5,000, आपने पढ़ा था सवाल के शुरू में, वो यहाँ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में माइनस होगी प्रॉफिट में से, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना टाइम लगा रहा है, तो उसकी सैलरी एज ए बिजनेस एक्सपेंस बन जाएगी। बिजनेस एक्सपेंस का मकसद है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगी, और क्योंकि पार्टनर का है तो पार्टनर्स की ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, इसलिए इसको सैलरीज एंड वेजेस का पार्ट नहीं बनाएंगे, जो उसने मिस्टेक कर दी थी हमने उसको सही किया था, यहाँ से उसको माइनस करेंगे, और ये 21,400 आ गया। 21,400 हमने ऊपर निकाला था कि 21,400 में से जो जियान था उसका 3/4 था, और जो शैन था उसका 1/4 था, क्योंकि 3:1 की इनकी रेशियो थी, तो 21,000 ये रिजिडुअल प्रॉफिट है आपका, याद रखिएगा, सब कुछ करके ये प्रॉफिट बचाया। जो ये पार्टनर्स की जो शेयरिंग रेशियो थी वो 3:1 थी, सवाल के शुरू में उसने आपको दी थी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जियान एंड शैन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1, तो 3:1 की इनकी रेशियो थी, तो इससे ये रिजिडुअल प्रॉफिट आप बांट दें, ये 21,400 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 16,050, ये देखिए 16,050, आप कैलकुलेट भी करेंगे यही आएगा, 21,400 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, सिंपल करते हैं तो 5,350, ये 5,350 ये आ गया। ये आपने इन दोनों का देखें, टोटल बढ़ गया 21,400 और 21,400 टाई बैक हो गया, तो ये पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बना लिया, और लॉजिकली मैंने आपको सब समझाया क्या होता है। अब उसके बाद करंट अकाउंट्स को आपसे कहता है बना लें, तो करंट अकाउंट्स जो है अगर आप देखें तो करंट अकाउंट्स के जो बैलेंसेज हैं वो क्या दिए हुए हैं, देखिए ये करंट अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस हैं दोनों के, देख रहे हैं जियान का भी डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मकसद समझ रहे हैं कि बिजनेस में इनको पैसा देना है, बिजनेस को इन्हें कोई पैसा नहीं देना है क्योंकि इनके डेबिट बैलेंस है, ये ड्राइंग्स जो हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जिसकी वजह से इनका डेबिट बैलेंस आ गया।
इनका एनी हाउ डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को जब आप इनके करंट अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस बीटी आपने किस साइड के ऊपर लिखा, डेबिट साइड के ऊपर लिखा आपने, देख रहे हैं आप, जीएन का भी डेबिट साइड के ऊपर है जो दिया हुआ है बैलेंस बीटी, 500 और 900 ये दिया हुआ था। तो उसके बाद देखें आसान है, आप इनकी जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने जो करा है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से इनके कैपिटल क्रेडिट होंगे, इसलिए देखें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देखा 3500, 2500 वो आपने पहले ही निकाला हुआ है, वो क्रेडिट पे जाके लिख दें। जो ड्राइंग है वो ड्राइंग दी हुई है सवाल में, ड्राइंग की वजह से इनके करंट अकाउंट जो हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो ड्राइंग जो दी हुई थी 8000 और 6000 सवाल के अंदर, वो फिर हमने डेबिट साइड पर लाकर लिख दी, क्योंकि वो इनके करंट अकाउंट में क्लोज हो जाएगी। जब करंट अकाउंट होते हैं नॉर्मली ड्राइंग आप कहाँ क्लोज करते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्लोज करते हैं, ड्राइंग को डेबिट कर कैपिटल को डेबिट करते हैं और ड्राइंग को क्रेडिट करते हैं। जब पार्टनरशिप में करंट अकाउंट हो तो एंट्री यही पास होगी, ड्राइंग को क्रेडिट कर दें ताकि वो क्लोज हो जाए और करंट अकाउंट को डेबिट कर दें। तो हमने करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से भी इनके कैपिटल डेबिट होंगे। तो क्या करंट अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट जो है वो आप क्रेडिट कर देंगे उठा के, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से इनके करंट अकाउंट डेबिट होगा। ये देखें ये फिगर सब हमने निकाली हुई है, सिर्फ यहाँ पर आपको भरनी है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट जो था वो अभी आपने निकाला है, उसकी वजह से इनके कैपिटल, इनके करंट अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो इनके क्रेडिट हो गए, जब ये सब हो गया तो आप इनको डेबिट क्रेडिट टोटल कर लें। इसका टोटल जो है वो 12,85 आ गया है, इसका 9,550 आ गया है, इनका टोटल करके, और क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है तो फिर डेबिट साइड जो है आपकी, क्रेडिट है 12,85 और डेबिट को इसके बराबर करने के लिए 350 का बैलेंस है, और इसी तरीके से जियान के अंदर जो बैलेंस है वो 10,250 का है। तो ये शुरू हुई थी कहानी डेबिट बैलेंस से, और इस साल क्योंकि प्रॉफिट आपका बेहतर आया है, अच्छा आया है आपका, तो फिर प्रॉफिट की वजह से इनके जो डेबिट बैलेंस स्टार्ट में थे वो क्रेडिट बैलेंस के अंदर कन्वर्ट हो गए, और क्रेडिट बैलेंस का मकसद है कि अब बिज़नेस को इनको ये पैसे देने हैं। तो करंट अकाउंट बहुत आसान होता है बनाना, जो बैलेंसेस दिए हैं वो आप लिख दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्रेडिट कर दें, सैलरी की वजह से क्रेडिट कर दें, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसकी वजह से क्रेडिट कर दें, ड्राइंग की वजह से डेबिट कर दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से डेबिट कर दें, और फिर बैलेंस निकाल के देख लें कि जो साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड अगर ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट पे लिख दीजिएगा बैलेंस सी डी। और हमारे सवाल में हमने देखा कि क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा थी तो बैलेंस बी डी, बैलेंस सी डी जो है वो फिर डेबिट साइड पर आया, और जब ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो जिस साइड का है वहाँ आ जाएगा, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बैलेंस बी डी जब इसका बना तो ये फिर हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया, ये शो कर रहा है कि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। उसने सवाल में पूछा भी यही था कि बैलेंस करें और ब्रिंगिंग डाउन करें, तो ब्रिंगिंग डाउन भी कर दिया हमने, ये हमारा मसला हल हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कहानी नॉन करंट एसेट्स से शुरू होती है, नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट आपको दी हुई थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं भी आपको पूरा समझा के आ रहा हूँ, 36,000 भी मैंने निकाला था, 17,500, 4,100 ये आप माइनस करके नेट बुक वैल्यू आपने निकाल ली, ये हम पहले कर कर आ रहे हैं, अभी देख लीजिएगा 30,000 था, 6,000 का हमने निकाला, 36,000 हो गया, 10,000 था, 7,500 का इस साल का डेप्रिसिएशन हमने निकाला, 17,500 हो गया, ये 2,500 था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, 1,600 इस साल का था तो 4,100, तो नेट बुक वैल्यू आपकी आ गई। करंट एसेट्स के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री ये वही 42,900 है एंडिंग इन्वेंट्री जो हम लिख कर लाए थे, तो ये यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। ट्रेड रिसीवेबल आपको मैंने बताया था कि 3,000 जब माइनस 3,500 माइनस करेंगे तो ये 60,000 बचेगा, बल्कि ये 63,500 था, 3,000 ये 50,000 मैंने गलत लिखा था, ये 60,000 माइनस हमने गलत किया तो ये 60,000 आ गया माइनस करके। वैसे भी 3,500 में से 3,500 माइनस आपने किए तो 60,000 का बैलेंस आ गया। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिए बैड डेट्स जो है ये पूरे का पूरा 5,000 उसने खुद ही बता दिया था सवाल में कि इंक्रीज़ हो के 5,000 हो गया, तो ये पूरे का पूरा आप यहाँ लिखते हैं माइनस करके लेकर आए, ये आ गया। ये जो प्रीपेड जो आपके पास 200 जो प्रीपेड के थे उसको अदर रिसीवेबल, नॉर्मली ये जो प्रीपेड वगैरह होते हैं इनको अदर रिसीवेबल करके लिख देते हैं, ये $200 था ना आपको याद होगा, क्या था $200, ये मोटर व्हीकल का जो प्रीपेड था
एक्सपेंस का, तो वो प्रीपेड था। प्रीपेड का मकसद या अदर रिसीवेबल के अंदर आ गया, ये आपके टोटल एसेट्स थे, ये करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स को आपने टोटल किया, तो ये टोटल एसेट्स 216,500 के आपके पास आ गए। कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए थे आपके, वो वैसे ही रहे। करंट अकाउंट का जो बैलेंस अभी ऊपर आपने निकाला है, ये क्रेडिट बैलेंस है, उसको यहाँ लिख दें। ये देख रहे हैं करंट अकाउंट आपने, जियान का 10,250 और शैन का 350, और ये क्रेडिट बैलेंस है तो इसलिए प्लस होगा, ये डेबिट होता तो माइनस हो जाता। 10,250, 350 अभी आप निकाल कर ला रहे हैं, वो आपने लिख दिया। नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो कितनी थी, 50,000 डॉलर की थी, वो आपने ऐसे ही लिख दी नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल सवाल में जो दिया हुआ था वो अभी हम समझ के आ रहे हैं, वो ऐसे ही लिख दें क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देख रहे हैं ट्रेड पेबल 23,150, ये आपने ऐसे ही लिख दी। और अदर पेबल के अंदर देखें दो, एक तो 1,500 जो है लोन, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके लोन मैंने बताया था, और लोन के अलावा वो 1,150 इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के जो एक थे जो मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो था, ये था ना, ये जो आपका पहला वाला पार्ट था इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर जो एक रूट था 1,150 ये, और अभी लोन का मैंने आपको समझाया है कि 2,500। ये देख रहे हैं लोन का कि 2,500 दिया हुआ है, तो 1,500 जो है ये एक है, तो 1,500 ये और 1,150 ये जो ये अमाउंट है इसको जैसे आपने अदर रिसीवेबल में प्रीपेड को लिखा था तो ये अदर पेएबल के अंदर डाल देते हैं क्योंकि ये दूसरे पेएबल हैं एक रूट नेचर के, ये लोन की पेमेंट करनी है, तो ये टोटल मिलकर यहाँ आ गया। और बैंक ओवरड्राफ्ट में समझा के आया था 10,600 दिया हुआ था, 500 माइनस करके 10,100 हमने देखे यहाँ भी करा था हमने 10,100। तो ये आपने सिंपल करंट लाइबिलिटी भी आपकी आ गई, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को आपने टोटल किया, ये 50,000 ये, और ये सारे अमाउंट आपने कैलकुलेट कर लिए। यहाँ से कैपिटल है 120, ये 130,000 हो गया, 130, तो 130,600 में 50,000 ये, और बाकी ये सब जमा करें तो 216,500 ये आपके टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ आ गई हैं, और टोटल एसेट्स भी इतने के थे, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टाइबैक हो गया, और ये आपका सवाल ख़त्म हुआ। इसके अंदर देखें लॉजिक यही है कि अगर आप जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप अकाउंट देखते ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आधी ज़िंदगी आपकी आसान हो गई, बाकी फिर एडजस्टमेंट है, प्लस माइनस करके एडजस्टेड फिगर आपको यहाँ लेकर आनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप क्राइशियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो कैम्ब्रिज का जो अपना स्पेसिमेन पेपर है उसमें भी ये सवाल आया है, और 2020 से लेके 2017 आज हमारा ख़त्म हो गया विंटर का भी, तो 2020, 19, 18, 17 ये 4 ईयर और कैम्ब्रिज 5 ईयर, 5 ईयर के पेपर आपके पास पड़े हुए हैं। 5 ईयर का मकसद है 5 ईयर के 2 अटैम्प्ट अगर लगाएं, कैम्ब्रिज को हटाते हैं तो 8 ये और 9 पेपर, 9 टाइम्स ये सवाल आया है। अगर आप सिर्फ वीडियो मेरी देखें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें तो ये सवाल आपका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप बहुत इत्मीनान से इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में प्रैक्टिस के लिए पड़े हुए हैं, और मल्टीपल है, जो पेपर वन है उसका तो 2020 से लेके 2012 तक विंटर समर दोनों के पेपर पड़े हुए हैं, और कैम्ब्रिज का पेपर भी पड़ा हुआ है स्पेसिमेन पेपर। तो इसकी प्रैक्टिस करें, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट, और द पेपर हैंडलिंग विल बी आई मीन टू से वेरी इजी इन द एग्जामिनेशन हॉल। दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज से कि देयर आर टू थिंग्स इन अकाउंटेंसी, वन इज दैट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर एंड सेकेंड योर प्रैक्टिस। इफ़ योर कंसेप्ट आर वीक लिटल बिट, लेकिन इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग तो योर कंसेप्ट विल बी बिल्ड ऑटोमेटिकली और विल बी स्ट्रॉन्ग, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इफ़ यू आर आई मीन टू से टेकिंग द प्लेस ऑफ प्रैक्टिस इन टू द एग्जामिनेशन हॉल, तो टेक माई वर्ड्स यू विल बी इन हॉट वाटर। सो नाउ देर इज इनफ टाइम, एग्जाम्स आर कमिंग नियर, लेकिन अभी अगेन टाइम अच्छा खासा है, कीप प्रैक्टिसिंग, अपने कंसेप्ट बिल्ड करें, और प्रैक्टिस के लिए पास मटेरियल पास पेपर जो है प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑन वन प्लेस क्राचियंस अकेडमी में अगर आप जाते हैं तो एक ही प्लेस पर बहुत कुछ मिलेगा, इट्स ऑल फ्री फॉर यू कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये नॉलेज जो हम शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लेट्स मीट विद अनदर वीडियो, और इन द मेन टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।